Hello friends, welcome to the web lecture series of Mohammed Anisur Rahman. Today I am going to talk on the topic Doxey's Irridex model. Doxey's Irridex model is in fact the Doxey's irritation index model given by Doxey in 1975. अब हम बात करते हैं कि actually ये है क्या, ये Doxey's Irridex model क्या है. ऐसे तो सुनने में बहुत भारी भरकम लफ्ज लगता है ये, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है. जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, मेरी कोशिश रहेगी कि डॉक्सीज इरिडेक्स मॉडल के बारे में भी मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं. सबसे पहले जो टूरिज्म का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जिससे एरिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, रेगुलर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़ जाती है, तो इन चीजों को देखते हुए किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लोकल कम्युनिटी को लगता है कि हमारे एरिया में टूरिज्म डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहिए, हमारी जगह पर हमारे डेस्टिनेशन पे जब टूरिस्ट आएंगे तो इसका ग्रोथ होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर होटल खुलेंगे, यहाँ पर एक नया मार्केट लगेगा, उस मार्केट में हम लोकल लोग कुछ शॉप खोलेंगे, कुछ लोगों को टैक्सी चलाने का मौका मिलेगा, कुछ को होटल बिजनेस में आने का मौका मिलेगा, कुछ को होटल इंडस्ट्री में कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लोकल लोगों को सब्जी वगैरह उगाने के बाद उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे. इस तरह से जो छोटे छोटे फायदे हैं उन चीजों को देखते हुए लगता है कि अगर एक डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है तो वहां पर लोगों के लाइफ स्टाइल पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, तो क्यों ना हमारा डेस्टिनेशन भी डेवलप हो, हमारे यहाँ भी टूरिस्ट आए. तो ये डॉक्सीज इरिडेक्स मॉडल का सबसे पहला स्टेज है जहां पर लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे पास टूरिस्ट आए और हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, ताकि उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े टूरिस्ट पर भी. तो डॉक्सीज इरिडेक्स मॉडल इनफैक्ट होस्ट कम्युनिटी एंड टूरिस्ट के बीच का एक इंट्रैक्शन है जो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रूप धारण कर लेता है. तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है यूफोरिया. यूफोरिया जो मैंने आपको बताया कि लोगों को टूरिस्ट के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है कि वो जहां जाता है उस एरिया का डेवलपमेंट होता है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बदल जाती है और वहां पर अच्छे रोजगार मिलते हैं. तो इन चीजों को देखते हुए जो पहला स्टेज है वो है यूफोरिया, जिसमें लोग ये चाहते हैं कि उनका एरिया डेवलप हो, वो टूरिस्ट का स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं. सो यूफोरिया स्टेज डिफाइंस द वेलकमिंग नेचर ऑफ होस्ट कम्युनिटी टुवर्ड्स द टूरिस्ट एंड देयर गेस्ट. दे एट दिस स्टेज दे थिंक दैट टूरिस्ट्स आर देयर गेस्ट एंड इन इंडिया गेस्ट्स आर कंसिडर्ड एज गॉड. तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि वहां एक एरिया पे टूरिज्म का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और वो बढ़ के इस स्टेज पर पहुंचता है कि इतने टूरिस्ट आने लगते हैं कि लोगों को लगता है कि यहाँ का तो ये रोज का ही मतलब रूटीन है, इनसे कितना इंट्रैक्शन किया जाए, इनको कितनी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दी जाए. तो वो एक फॉर्मल इसमें स्टेज में आ जाते हैं और दे आर नॉट बदर्ड अबाउट द थिंकिंग ऑफ टूरिस्ट. तो ये एक प्रिमिटिव स्टेज है टुवर्ड्स एपैथी, टुवर्ड्स इरिटेशन. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्चुअली जो उनका परसेप्शन था टूरिस्ट डेवलपमेंट के साथ, उनका अपना पर्सनल बेनिफिट को लेकर के शायद वहां तक उनकी जो सोच थी वो पूरी नहीं हो पाती है,
तो उन्हें एक टूरिस्ट से उतना ज्यादा लगाव नहीं रह जाता है, तो ये स्टेज एपैथी का स्टेज कहलाता है। इसके बाद जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मेरे लेक्चर में मैंने चार स्टेजेस की बात की है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, देन सेचुरेशन, तो ये भी कुछ ऐसे ही है टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल के केस में, कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का था इंट्रोडक्शन, वो यहां पर यूफोरिया का स्टेज है, जो ग्रोथ का स्टेज था वो एपैथी का स्टेज है, और जो सेचुरेशन का स्टेज था मैच्योरिटी का, वो यहां पर कहलाता है इरिटेशन। तो होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने लगते हैं तो वहां पर कुछ लोकल लोगों को परेशानी होने लगती है। क्या परेशानी होती है कि उनका वाटर सप्लाई कट करके होटल्स को सप्लाई शुरू कर दी जाती है, होटल्स में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होने की वजह से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए होती है, तो लोकल कम्युनिटी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम कर दी जाती है, होटल को गैस सप्लाई की ज्यादा जरूरत होती है तो लोकल कम्युनिटी को की सप्लाई कम कर दी जाती है, और उसके साथ ही कुछ जो रेगुलर चीजें हैं उनका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। जैसे सीजनल वेज की हम बात करें तो जहां पर एक एरिया में जितना वेजिटेबल्स उपस्थित था वो मान लेते हैं कि उस लोकल कम्युनिटी के लिए काफी था, और कुछ वो बाहर भी बेचते थे, बाहर सप्लाई करते थे, लेकिन जब इतना ज्यादा टूरिस्ट आने लगा तो उन चीजों की डिमांड होटल में बढ़ गई, लोकल लोगों के लिए उन चीजों की स्कार्सिटी हो गई और उन चीजों का दाम बढ़ गया लोकल मार्केट में। तो इस तरह से जो कई तरह के सिनेरियो पैदा होते हैं, जो ये है कि प्राइस राइज, क्राइम राइज, और दूसरा जो है टूरिस्ट रूडनेस, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे द होस्ट कम्युनिटी थिंक्स दैट टूरिस्ट आर डिस्ट्रॉइंग देयर कल्चर, दे आर मेकिंग देयर कल्चर इम्प्योर। बाहर के लोग आकर के अपनी चीजें लोकल कम्युनिटी में डाल के चले जाते हैं, लोकल लोगों का कल्चर खराब होता है, ये उनकी थिंकिंग बनती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो सेचुरेशन का स्टेज है वहां पर जाकर के लोगों को निगेटिव इम्पैक्ट समझ में आने लगता है टूरिज्म का, और वो उस पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं कि क्या निगेटिव इम्पैक्ट है, और उनकी कोशिश ये हो जाती है कि क्यों आए टूरिस्ट यहाँ पर, ये हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारे जो प्राइस है लोकल मार्केट का उसको बढ़ा रहे हैं, और इनकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। तो जब ये और ज्यादा ड्रास्टिक स्टेज में पहुंचता है, जो फोर्थ स्टेज है, जो कहलाता है एंटागोनिज्म और होस्टिलिटी स्टेज, इस स्टेज पे पहुंच करके लोग टूरिस्ट के खिलाफ कंप्लेन करने लगते हैं, और उनकी ये कोशिश होने लगती है कि टूरिस्ट इस डेस्टिनेशन पे नहीं आए। कई बार इसकी वजह से लोकल पीपल एंड टूरिस्ट के बीच में कुछ गलत तरह की चीजें भी सामने आती हैं, कि मारपीट, भगाना, चोरी, इस तरह की चीजें आने लगती हैं। तो ये चार स्टेजेस जो था वो डॉक्सीज इरिटेशन इंडेक्स, मतलब डॉक्सीज इरिडेक्स इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें चार स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज इज यूफोरिया, सेकेंड स्टेज इज एपैथी, थर्ड स्टेज इज इरिटेशन, एंड फोर्थ स्टेज इज हॉस्टिलिटी और एंटागोनिज्म। तो हमने आज ये सीखा कि जो डॉक्सी ने ये मॉडल दिया था वो टूरिस्ट एंड होस्ट कम्युनिटी के बीच के इंट्रैक्शन को लेकर के दिया था, कि जो होस्ट कम्युनिटी होती है वो टूरिस्ट के बारे में क्या परसेप्शन रखती है, और किस तरह से उनका जिस तरह से इंट्रैक्शन बढ़ता है और टूरिस्ट फ्लो बढ़ता है, मास टूरिज्म बढ़ता है, तो किस तरह से उनका टूरिस्ट के लिए परसेप्शन, उनका बिहेवियर, ये सब कुछ चेंज होता चला जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो फिर प्लीज़ लाइक करें मेरा ये वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगर कुछ पसंद नहीं आया हो, गलत लगा हो या कुछ नया आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे लिखें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मोहम्मद अनिसुर रहमान्स वीडियो.